लगे रहो मुन्ना भाई को देखने से पहले मुझे गांधी जी के बारे में कुछ नहीं मालूम था। बहुत अच्छी लगी। अच्छी क्यों लगी? क्योंकि उसमें गांधी जी थे और वो मुन्ना भाई को बताते रहते थे कि क्या करना है और वो सही था। और आपको गांधी जी कैसे लगे? अच्छे लगे। गांधी जी अच्छे क्यों लगे? क्योंकि वो हर वक्त सही काम बताते थे। गांधीगिरी क्या होती है? गांधीगिरी होती है किसी चीज़ को फॉलो करना। जब हम गांधी जी को फॉलो करते हैं उसे गांधीगिरी कहते हैं। फिल्म देखने से मुझे ये पता चला कि गांधी जी हमेशा सच बोलते हैं, वो लोगों की मदद करते हैं। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनकी माँ का नाम पुतलीबाई था। उन्होंने लंदन में पढ़ाई की थी और उनको साउथ अफ्रीका में उनके दोस्त उनको भाई कहकर पुकारा करते थे। और उनके अहमदाबाद के आश्रम का नाम साबरमती आश्रम है। हाँ, उनके पास जो ऐसे हथियार थे जो हिटलर के पास नहीं थे, सत्य और अहिंसा। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। सत्य सच बोलना। ऋषभ अहिंसा क्या होती है? अहिंसा सर अभी याद नहीं किया है। इलीना तो अहिंसा का मतलब क्या है? मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना अहिंसा होती है। मुझे गांधी जी बहुत अच्छे लगे। वैष्णव जन वो हमेशा सच बोलते थे, हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलते थे, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। वो हरदम सच बोलते, कभी झूठ नहीं बोलते और वो सच का साथ देते हैं। सच हमें सीधा अच्छा रास्ता दिखाता है और सीधा भी दिखाता है। हम जैसे वो सच बोलते हैं हमें भी सच बोलना चाहिए। वो अहिंसा रखते हैं, हमें भी अहिंसा ही रखना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई भी गांधी जी को फॉलो नहीं कर रहा। गांधी जी के बहुत साल पहले तब गांधी जी को फॉलो करते थे, अभी गांधी जी कोई मायने नहीं रखते और ये बहुत बुरी बात है। गुस्सा नहीं होने को नॉन वायलेंस बोलता है। अमेरिका ने बॉम्ब गिराया इराक में तो मुझे इतना डर लगा कि बस मैं बताऊँ, क्योंकि मैं भी बच्ची हूँ, वो भी बच्चे उधर मरे, कहीं इंडिया में ना ऐसा हो जाए। मम्मी से बचने के लिए झूठ बोलती हूँ। मैं मम्मी से बचने के लिए कभी कभार झूठ बोलती हूँ। अगर मैं सच बोलूँगी तो वो मेरे को मारेगी। मैंने ये सोचा है कि हमें ज़िंदगी में कभी कभार सच बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभार मैं झूठ बोल देती हूँ। जब मम्मी मुझे डांटती मैं कहती हूँ मम्मी ये उसने किया था बचने के लिए। मैं कभी कभार झूठ बोल देता हूँ क्योंकि अगर मैं सच बोलूँगा तो कभी कभार मार पिट जाती है, कभी कभार नहीं पिटती। झूठ बोलना गंदी बात होती है। झूठ बोलने में मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता। मुझे तो सच बोलने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैं सच ही नहीं बोल पाया। जब मुझे सच बोलने का होमवर्क मिला तभी मैंने सच बोला, नहीं तो मैं कभी कभार झूठ बोलती हूँ। मैंने ये सच बोला कि मुझसे गलती से वो बहुत महंगी चीज़ टूट गई तो मम्मा ने मुझे बहुत डांटा। फिर मम्मा ने कहा कि आपने एक बात तो अच्छी की कि आपने सच बोला। जब से मुझे सच बोलने का होमवर्क मिला तो मुझे एक फ़ायदा हुआ कि जब मुझे पढ़ाई करनी थी तो मम्मी ने कहा कि तुम पढ़ाई करना चाहती हो कि नहीं। मैंने कहा मुझे पेट दर्द हो रहा है, फिर मैंने कहा मम्मी नहीं, मैं पढ़ाई से बचने के लिए कह रही थी झूठ। फिर मम्मी ने कहा कि वेरी गुड, तुमने एक बात तो सीख ली कि तुम सच बोलती रहती हो अब से, वरना मैं झूठ ही बोलती रहती हूँ ज़्यादातर या फिर मजाक करती रहती हूँ। जब से मुझे सच बोलने का होमवर्क मिला तब से मैं हमेशा सच बोलती हूँ। एक बार मैंने क्या करा, अपने भाई का वीडियो गेम छुपा दिया था तो मम्मी ने बोला आपने कहाँ छुपाया, और मेरे भाई ने मम्मी को बता दिया था तो मैंने मम्मी को सच सच बोला तो मम्मी ने मुझे डांटा नहीं, मगर मुझे तब थोड़ा सा डर लग रहा था।
तुमने सच बोला ना मम्मी ने मुझे मारा ना मम्मी ने मुझे डांटा, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि सच बोलने से ना मार पिटती है और ना डांट पिटती है। मैं उनकी बात मानूंगा और हमेशा सच बोलूंगा। सकल लोक मां सहुने वंदे।